तो दोस्तों आज सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसको सुनकर आप सभी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और साथ में अमेरिका किस प्रकार से अब भारत के स्वदेशी हथियारों का लोहा मानने को ना सिर्फ तैयार हो गया है, बल्कि अमेरिका को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भारत ने इतने कम पैसों में इतना जबरदस्त हथियार कैसे बनाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर बन रहे किसी भी हथियार के ऊपर अपनी पैनी नजर रखता है और इसके ऊपर समय समय पर अमेरिका की तरफ से जानकारी दी जाती है। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से 6th generation फाइटर जेट को लेकर बहुत बड़ी जानकारी अभी साझा की गई है, जिसमें अमेरिका ने सबसे पहले अपने 6th generation के फाइटर जेट के बारे में बताया कि किस प्रकार से अमेरिका ने 2021 के अंतर्गत ही अपना 6th generation के फाइटर जेट का पहला स्केल मॉडल बनाकर कर लिया था तैयार और 2025-26 तक यह अमेरिकी वायुसेना में शामिल भी हो जाएगा। साथ में चीन के बारे में भी बहुत बड़े राज को खोलते हुए अमेरिका की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि चीन भी अब अपने J-20 फाइटर जेट के बाद में एक 6th generation के फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, जो कि चीनी वायुसेना को 2028 से 2030 के बीच मिल जाएगा। और इसके ऊपर जो काम है वो चीन की तरफ से काफी गुपचुप तरीके से चलाया जा रहा है। और दोस्तों यह दो खबरें तो सिर्फ ट्रेलर थी, असली खबर तो आप सभी भारत के बारे में सुनोगे और भारत के हथियार का लोहा अब अमेरिका ने भी मान लिया है। भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की तरफ से बात करते हुए कहा गया कि भारत अपने लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के अंतर्गत अमका का MK-1 और MK-2 वेरिएंट बना रहा है। हालांकि MK-1 जो वेरिएंट है वो भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनकर प्रदान होगा, जबकि अमका का जो MK-2 वेरिएंट है वो भारत के लिए 5.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। परंतु इसके अंतर्गत कुछ ऐसी तकनीक है जो कि 6th generation के फाइटर जेट के अंदर भी नहीं है, जैसे कि अमका के अंदर अपना खुद का दिमाग होना, इसके अलावा अमका की सेल्फ हीलिंग तकनीक, साथ में अमका के अंदर लेजर जैसे टैक्टिकल हथियारों को लगाया जाना, साथ में अमका का एडवांस और हाई एल्टीट्यूड वाला इंजन, इसके अलावा अमका की 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और सबसे बड़ी अमका की जो कीमत है वो दुनिया के 6th generation के किसी भी फाइटर जेट से सबसे कम है, जो कि 900 से 1100 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और दोस्तों बस अमका की इन्हीं खूबियों को सुनकर अमेरिका भी हैरान है कि आखिरकार भारत ने मात्र 1100 करोड़ के अंतर्गत दुनिया का इतना एडवांस और सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट कैसे बना लिया। खैर दोस्तों आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और अमका के आने के बाद क्या भारत को फिर भी विदेशी फाइटर जेट खरीदने चाहिए, कमेंट बॉक्स में पीरा बस्ती जी का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।